हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिन्स रेसिपीज। मैं हूं मीनाक्षी और आज मैं बनाने जा रही हूं ब्रेड पिज्ज़ा। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और सबको बहुत पसंद आती है, खास करके बच्चों को। तो आप भी अपने किचन में जो भी वेजिटेबल हो उसके साथ आप इसे इजीली तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड। मैंने यहाँ व्हाइट ब्रेड लिया है 4 स्लाइसेस। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। 1 कटा हुआ टमाटर, 1 कैप्सिकम बारीक कटा हुआ। मैंने यहाँ चीज लिया है, पनीर जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया पहले से ही, 1 अनियन बारीक कटा हुआ, सीजनिंग के लिए चिली फ्लेक्स और ऑरेगानो पाउडर, टमाटो सॉस, सॉल्ट और मैंने यहाँ पिज्जा बेस के लिए एक सॉस तैयार किया है जो कि क्रीम और टमाटो सॉस से तैयार किया है। मैंने इसमें 3 चम्मच क्रीम और 2 चम्मच टमाटो सॉस लेके इसे मिक्स किया है। आप चाहें तो इसे घर पे इजीली तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ब्रेड पिज्जा। तो सबसे पहले एक बाउल लेंगे। बाउल में हम कैप्सिकम डालेंगे, अनियन डालेंगे, टमाटो, पनीर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा ऑरेगानो पाउडर। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी पिज्जा टॉपिंग तैयार है। अब हम पिज्जा बेस बनाएंगे। एक प्लेट लेंगे और ब्रेड स्लाइस को इस पे ऐसे रखना शुरू करेंगे और फिर जो सॉस मैंने तैयार किया था उसे लगाएंगे। और अब पिज्जा टॉपिंग इस पे धीरे धीरे रखेंगे। इस तरह टॉपिंग कर ले पिज्जा को और अब इसमें चीज डालेंगे। जब तक चीज डालेंगे तब तक हम अपना माइक्रोवेव 180 डिग्री पे प्रीहीट कर लेंगे। अब मैं इसमें चीज डालने जा रही हूँ। तो चीज क्यूब्स लेंगे और इसको यहाँ ग्रेट करेंगे। हर एक स्लाइस पे बराबर क्वांटिटी में चीज डालें। तो इस तरह से आप चीज डाल लें और अब इसे बेकिंग ट्रे में रखेंगे ताकि ये ओवन में जा सके। तो तैयार है पिज्जा बेक होने के लिए। आप इस तरह से बेकिंग ट्रे में रख लें और अभी ये ओवन में जाएगा। तो इसे 180 डिग्री पे 7 से 8 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। मैंने यहाँ 8 मिनट बेक करने के लिए लगाया है। 8 मिनट बाद ये पिज्जा तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पिज्जा बेक हो चुका है अच्छे तरीके से। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। तो एक प्लेट लेंगे और इस पे आराम से धीरे हल्के हाथों सावधानी से पिज्जा को उतारेंगे। तो अभी मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे थोड़ा सीजनिंग करेंगे चिली फ्लेक्स से, थोड़ा सा ओरिगैनो पाउडर से।
तो तैयार है हमारा ब्रेड पिज्जा, आप भी इसे बनाएं और एंजॉय करें अपने फैमिली के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।